तुम्हें डॉर्विन ने उल्टी पटियां पढ़ा दी थी कि ये मुर्गी खुद बनी है ये अंडे, ये जो मुर्गी 21 दिन अंडे सेती है ना और घुमाती रहती है, ये इसकी खोपड़ी में ऑटोमेटिकली आ गया था। ये बकरी का बच्चा पैदा होते ही जो थनों की तरफ लपकता है, ये एवोल्यूशन का नतीजा है। एवॉल्व हुए हैं, इतने समझदार हो गए, पैदा होते ही थन तलाश कर रहे हैं। सुभान अल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा कुल्लहा, अल्लाह कहते हैं पाक है वो ज़ात जिसने हर चीज़ के नर मादा जोड़े बनाए। इवॉल्व होने के नतीजे में नर मादा कैसे बन गए, क्या हो गया भाई? ये साइंस इतनी ज़हीन है, नेचर इतनी ज़हीन है कि हर चीज़ नर और मादा में डिवाइड हो गई है, फिर उनका मिलाप होता है, बच्चे पैदा होते हैं। ये इवोल्यूशन का नतीजा नहीं हो सकता कि किसी ने बनाया है। तो हम तो भाई उस बनाने वाले को मानते हैं कि मुर्गा मुर्गी खुद नहीं पैदा हुए, उसके नतीजे में अंडा ऑटोमेटिकली वजूद में नहीं आ रहा। उस अंडे में ऐसे सॉफ्टवेयर कि अंडा मुर्गी अंडा देने से पहले छुपती है कहाँ जाके देना है, उसको पहले से पता है कि ये संडे से क्या निकलेगा, बच्चा निकलेगा, हालांकि उसने किसी से सीखा नहीं है। इवॉल्व अगर हो रही है चीजें तो बॉडी में तब्दीली आए ना, खोपड़ी कहां से इतनी तरक्की कर रही है बताओ? किसी को हुनर सिखाए बगैर खुद कोई सीख लेता है? ड्राइविंग की सीट पे बिठा के चलवाना पड़ता है तो जाके इंसान ड्राइविंग सीखता है, जो बिल्कुल सादा सा काम है। मुर्गी ने अंडों को 21 दिन बैठ के सेना कहां से सीख लिया, और उसको ये भी पता है इसको क्या करना है, यहां से भी पकाना है, अब यहां से भी पकाना है इसको, ठीक है ना? और ऐसे कुर्बानियां दे के बच्चे निकालती है, फिर ऐसे उनकी फिर दाना तोड़ तोड़ के उनके मुंह में डाल रही है, पहले उनको खिलाती है फिर खुद खाती है। ये सब चीज़ें एवोल्यूशन का नतीजा नहीं है। तो जो कहते हैं इवॉल्व हुआ है सब कुछ, अल्लाह कहेगा जाओ उस फितरत से ही अपना बदला लो। डार्विन तुम्हारा बाप, वो तुम्हें बताएगा जन्नत क्या है और जहन्नम। जो अल्लाह को मानते थे कि ये सब किसी का पैदा करता है, अल्लाह कहेगा आज जन्नत उन्हीं के लिए है, उनके अलावा किसी और के लिए नहीं है।